हे गर्ल्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल kainathscreation। तो आज हम बात करेंगे अबाउट एलोवेरा जेल। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलोवेरा जेल होल टाइम, मतलब पूरे वीडियो में सिर्फ एलोवेरा जेल के बारे में बात होगी। तो अगर समवन हियर और यह नॉट इंटरेस्टेड, आप जा सकते हो। सो पूरा टाइम वीडियो में एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स के बारे में बात होगी, हम किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। सो इफ़ एनीवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, सो दे कैन प्लीज़ लीव एंड वॉच अनदर। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ 6 बेस्ट यूजेज एलोवेरा जेल के, एंड इट वर्क्स बिकॉज आई हैव यूज इट, सो इट वर्क्स। मैंने खुद अपने पे टेस्ट किया है एंड देन आई एम टेलिंग इट टू यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बट हैव यू सब्सक्राइब टू माय चैनल? इफ़ नॉट देन जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दे और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ, और आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एलोवेरा जेल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट राइट एलोवेरा जेल कौन सा होता है हमें नहीं समझ में आता। और आज हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में कि हम वो एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट नहीं करते ओरिजिनल प्लांट में से। सो सारे लोग जेल बाय करना ही पसंद करते हैं एंड दैट इज़ अफोर्डेबल टू। बट आपने मार्केट्स में देखा होगा कि काफ़ी एलोवेरा जेल है जो ग्रीन कलर में आते हैं, तो दैट इज़ नॉट ओरिजिनल। इवन पतंजलि का जो एलोवेरा जेल आता है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रीन। सो प्लीज़ गाइज, डोंट टेल मी पतंजलि का एलोवेरा जेल इज़ ऑसम। एलोवेरा जेल अगर आप नेचुरली देखो तो वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। ईजीली एलोवेरा जेल को किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, वो उसका सिर्फ दो ही क्लू है। एक तो एलोवेरा जेल में कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है, पर जो बाहर मार्केट में मिलते हैं इसमें बहुत भर भर की फ्रेग्रेंस होती है। इसके अलावा जो है वो कोई, मतलब एलोवेरा जेल कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। ग्रीन एंड ऑल ग्रीन, येलोइश लाइट ग्रीन, ऐसा कोई कलर नहीं होता। सो मेक श्योर आप कोई भी कलर वाली एलोवेरा जेल ना खरीदें। मैंने ये एलोवेरा जेल ऑनलाइन मंगाई थी और मुझे ये कुछ 350 में आई थी, एंड दिस इज़ रियली लार्ज, मतलब 300 ml है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और ये बहुत बड़ा टब है। सो दिस इज़ हाउ, मतलब कंटेनर ग्रीन है बट द जेल इज़ ट्रांसपेरेंट एज यू कैन सी। लेट मी शो यू गाइस, देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है, और ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब करती है, एंड दिस इज़ सो सॉफ्ट। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये फ्रेग्रेंस है, यू विल फील कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। मैंने बहुत रिस्किंगली, मतलब रिस्क लेके ऑनलाइन मंगाया था, बट दिस इज़ रियली नाइस। इस पर कोई कंपनी नेम नहीं दिया है, बट आई एम श्योर ये फेस शॉप की ड्यूप है, बिकॉज आई हैव सीन कि फेस शॉप में ऐसी एलोवेरा जेल है। सो See, this is how it works, and this is so awesome, so calming, so relaxing. So this will help you to buy एलोवेरा जेल। तो स्टार्ट करते हैं एलोवेरा की सबसे फर्स्ट यूसेज के साथ, यानी बेनिफिट के साथ। तो हम एलोवेरा जेल को एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप प्लेन हेयर मास्क जैसा यूज़ कर सकते हैं फॉर 30 मिनट्स। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक है, डल है, सो आप इसे प्लेन यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अगर कोई DIY होममेड मास्क बनाते हैं अपने बालों के लिए, तो आप इसमें एक स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई ब्रांडेड स्पा क्रीम या फिर हेयर मास्क अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप उसमें एक स्कूप या फिर एक स्पून जो है एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी
और गॉर्जियस दिखेंगे. एंड बिकॉज एलोवेरा जेल में सूदिंग और स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा. कि एलोवेरा जेल में सूदिंग और स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये समर्स में हमारे जो स्कैल्प है उसको काम रखने में बहुत हेल्प करता है. स्कैल्प अगर काम रहेगी तो आपको डैंड्रफ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस इज़ रियली बेनिफिशियल एज अ हेयर मास्क. एलोवेरा जेल को हम एज अ हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं. एलोवेरा जेल को हेयर सीरम जैसा यूज़ करने में हमारा ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे बालों को एकदम इंस्टेंट शाइन देगा. अनदर थिंग, अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसे एज अ सेटिंग जेल या सेटिंग वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप स्टोर से बाय किया हुआ जेल या वैक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ रियली हार्मफुल फॉर योर हेयर्स. तो ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, बट एलोवेरा जेल आपको रिजल्ट प्लस बेनिफिट देगा. सो ट्राई टू स्वैप योर प्रोडक्ट्स एंड सी द मैजिक. एलोवेरा जेल को हम अपने फेस मास्क जैसा भी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग इसका DIY करते होंगे. बट एलोवेरा जेल को आप एज अ प्लेन यानी इसमें कुछ भी आप मिक्स मत कीजिए, ओनली प्लेन एलोवेरा जेल का मास्क लगाइए. एक थिक लेयर लगाइए आप अपने फेस पे, इवनली वो स्प्रेड होना चाहिए और आप उसको 30 to 45 minutes रख सकते हैं और उसके बाद वॉश कर सकते हैं. इवन आप इसे स्लीपिंग मास्क जैसा यूज़ कर सकते हैं. ये किस तरीके से वर्क करेगा आपकी स्किन के लिए, ये हमारी जो अनइवन स्किन होती है उसे इवन करने में हेल्प करेगा. अगर आपको कोई इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग वगैरह स्किन पे होती है जस्ट बिकॉज समर्स आर हियर और समर में ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत होती है, तो ये हमें उस चीज़ से आप बच जाओगे और ये हमारे फेस को बहुत ज़्यादा काम और सूदिंग रखेगा. सो ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, पर ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले भी इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं. एलोवेरा जेल को एज अ फेस मास्क यूज़ करने से आपके जो सन टैन या फिर सनबर्न है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. इसके अलावा आप अगर कोई DIY मास्क बनाते हो तो आप उसमें एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो. ये हमारे वाइट हेड ब्लैक हेड्स हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. एलोवेरा जेल को आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो. सो अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि आपको कौन सा प्राइमर बाय अप करना चाहिए, तो आप सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए. एलोवेरा जेल आपको अफोर्डेबल भी पड़ेगा. जहाँ हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं प्राइमर ऑन द सेम नोट, हमें एलोवेरा जेल इनएक्सपेंसिव मिलेगा, बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी में आ जाता है. तो हम इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सूथ करेगा, स्मूथ रखेगा और ये हमारी स्किन को मेकअप के लिए रेडी कर देगा. उसके अलावा अगर आप थोड़े से कंजूस हैं और ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं प्राइमर्स में, तो आप ये एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं. ये आपको प्राइमर का बेनिफिट तो देगा ही, साथ ही साथ आपकी स्किन को जो है वो भी बेनिफिट करेगा. यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बिकॉज़ एलोवेरा जेल इज़ रियली गुड फॉर स्किन. सो येस, इट विल हेल्प. और ये थोड़ा सा टैकी होता है तो हमारे फाउंडेशन को ये अपने ही प्लेस पे रखेगा और बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा. सो एलोवेरा जेल को आप फेस सिरम या मॉइस्चराइज़र जैसा भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप थिक लेयर मास्क नहीं लगाना चाहते एलोवेरा जेल का, तो आप टाइनी अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल लीजिए और उसे एज अ सीरम या मॉइस्चराइज़र जैसे लगाइए एंड यू विल सी बेनिफिट इन अ वीक, विद इन अ वीक. एंड रियली इट वर्क्स बिकॉज आई हैव यूज इट और मेरा स्किन टेक्स्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था. अभी आई हैव जस्ट मैंने स्टॉप किया है. सो आई एम जस्ट गेटिंग पिम्पल्स. सो येस, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन आफ्टर दिस वीडियो. लास्टली, एलोवेरा जेल को आप एज अ अंडर आई क्रीम भी लगा सकते हैं. येस, दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल. आप प्लेन एलोवेरा जेल लगा सकते हो एज अ अंडर आई क्रीम
और आप इसे विटामिन ई कैप्सूल या ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। इट विल रियली हेल्प योर अंडर आई बैगेज, डार्क सर्कल्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो टीवी और मोबाइल्स देखते हो, इफ़ यू आर अ लॉट बिजी ऑन व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब वॉचिंग माई वीडियोज, देन यू कैन रियली डू दिस थिंग्स। आप इसे अपने अंडर आइज में लगाइए और इसे टैप कीजिए एंड यू विल सी benefits in your skin. So I think it's enough now. So this was the benefits of aloe vera gel. ये बहुत ज़्यादा helpful है and काफ़ी और चीज़ों में भी help करता है, but these are the six best thing that I think जो मेरे लिए work करती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ। So आप लोग भी अपने friends के साथ share कीजिए, खुद तो नहीं बोल सकते ना इतना, तो वीडियो शेयर कर देना बहुत इजी हो जाएगा। और आप लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि कैसा लगा है। और अगर आप मुझे हमेशा मतलब मेरे अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो मुझे सोशल मीडियाज़ पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो टिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम।